हेलो व्हाट्सअप, क्या बोलती पब्लिक। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टेक चैनल में। दोस्तों आज यहां पर गेमिंग रिव्यू होने जा रहा है Sennheiser 206 का। Sennheiser HD 206 ये हेडफोन्स हैं और इसको मैं गेमिंग के लिए इस्तेमाल करके देखने वाला हूँ। इसका एक ओवरऑल जो रिव्यू है वो मैंने आपको दिया हुआ था। इसके अंदर जो है वो मैंने म्यूज़िक भी प्ले करके देखा और किस तरीके से ये लग रहा है ये भी मैंने आपको बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए या तो मेरे चैनल के ऊपर चले जाइए, वो भी आप देख पाएंगे। लेकिन स्पेशली आजकल लोग जो है वो गेमिंग के लिए भी हेडफोन्स खरीदते हैं ताकि उनको जो है वो एक इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सके। तो उस लिहाज से ये कैसा परफॉर्म करता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको मैंने लॉन्ग टर्म में यूज़ किया हुआ है मेरे म्यूज़िक के लिए, लेकिन आज जो है वो मैं गेमिंग के लिए भी इसको आपको इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर रहे हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भैया अब और इंतज़ार मत कीजिए। ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए और टेक से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गया हमारा फ़ोन। तो एक सिंपल सा ही गेम हम इसके अंदर खेल के देखेंगे। POV यहाँ पर एक बैटल गेम है, तो इससे हमें पता ज़रूर चल जाएगा कि फाइनल डिटेल्स किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि इन गेम्स के अंदर ब्लास्ट, बंदूकों के आवाज़ वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो इससे बहुत अच्छी टेस्टिंग होती है। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही गेम खेल के देखता हूँ। थोड़ा सा जो है वो ओवरऑल वॉल्यूम में कमी ज़रूर महसूस होती है। मैंने अभी फ़ोन का वॉल्यूम जो है वो फुल पे रखा हुआ है और मे बी ये जो इसके ईयर कप्स हैं इसका भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बात यह है कि ये बड़े अच्छे से कसते नहीं हैं आपके कान के ऊपर, तो इसकी वजह से बाहर का नॉइस आता रहता है। इसकी वजह से खुद हेडफोन का जो आवाज़ है वो कम महसूस होता है थोड़ा सा। फिर भी आगे देखते हैं गेम चालू होने पर ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो एक बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का जो फील है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अगर कोई चीज़ मेरे राइट में बज रही है तो वो बिल्कुल यहीं पे बजेगी, वो दोनों में नहीं बजेगी, तो स्टीरियो इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। तो चलिए गेम तो शुरू हो गया। तो मैं बहुत बड़ा प्रो गेमर तो नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ डोंट जज मी बाय माय गेम प्ले। मैं खाली ये दिखाने के लिए जो है वो आपको खेल रहा हूँ ये। तो ये बात ज़रूर है इसके अंदर कि गेम में बड़े अच्छे तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ब्लास्ट वगैरह के जो आवाज़ हैं वो बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं। तो आवाज़ मैंने अभी फुल रखा हुआ है, तो यहाँ पर मेरी काफ़ी बुरी हालत हो रही है वैसे, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा आ रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आवाज़ कम करूँ, हाँ जी, अब जो है वो उतना ज़्यादा इमर्सिव महसूस नहीं होता है। तो इसका अगर अच्छा आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो इसका आवाज़ आपको फुल रखना पड़ेगा, तभी ये जो है वो उतने अच्छे से आपके लिए परफॉर्म कर पाएगा। अदरवाइज़ ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे मैंने आवाज़ कम किया है तो जिस तरीके से ब्लास्ट के वगैरह आवाज़ आ रहे थे वो अब उतने ज़्यादा पंची नहीं हैं। तो एक अच्छे हेडफोन की पहचान यही है कि आप इसको अगर कम वॉल्यूम पे भी रखें तो सारी जो फ्रिक्वेंसीज हैं और सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्लियर कट सुनाई दे, बस उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं है, ये ज़रूर मानना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर पहनने पर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंफर्ट ज़रूर है इसके अंदर, लेकिन जैसा कि मैंने अपने म्यूज़िक वाले रिव्यू में भी बताया था कि ये अगर यहाँ पर ईयर कप्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते, इसके अंदर पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती तो ज़्यादा बेहतर लगता। तो दोस्तों गेमिंग रिव्यू मेरा यही है कि आप अगर इसको थोड़े से ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर रखेंगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा इसके अंदर। स्पेशली अगर देखा जाए तो ये हेडफोन म्यूज़िक ओरिएंटेड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गेम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कंफर्टेबल है तो लॉन्ग आवर्स के लिए अगर गेमिंग करनी है तो उसके लिए अच्छे हैं, और थोड़ा सा वॉल्यूम अगर आप इसका पुश करेंगे तो अच्छा साउंड आपको सुनाई ज़रूर देगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।
आपके इसके बारे में कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर पूछ सकते हैं।